दोस्तों साउथ की एक और खतरनाक मूवी जो कि KGF एंड KGF चैप्टर 2 जैसी मूवी होने वाली है और इस मूवी का नाम है बगीरा और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं KGF एंड KGF चैप्टर 2 के डायरेक्टर यानी कि सालार के भी डायरेक्टर प्रशांत नील। तो आप सोच सकते हैं कि ये मूवी अपने आप में कितनी बड़ी है। फाइनली दोस्तों बहुत ही लंबे समय के इंतजार के बाद इस मूवी के ऑफिशियल टीजर को आज के दिन रिलीज कर दिया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा गूज बम देने वाला था और बहुत ही मजा आया इस टीजर को देखकर। और टीजर को देखने के बाद मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये मूवी बहुत ही बड़ी सुपरहिट होने वाली है। और बगीरा मूवी के अंदर जो हमें एक्शन सीन देखने को मिलते हैं तो एक एक एक्शन सीन अपने आप में ये बताता है कि इस मूवी के अंदर जो एक्शन सीन है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के हैं, बल्कि मुझे तो देखने में सालार मूवी से भी ज्यादा अच्छे एक्शन सीन लग रहे हैं इस मूवी के। लेकिन इस मूवी की कहानी कितनी दमदार होगी ये अभी कह पाना काफी मुश्किल है क्योंकि फिल्म का चलना और ना चलना कहानी के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है और एक्शन पर कम डिपेंड करता है। यानी कि अच्छे एक्शन के साथ अच्छी कहानी देखने को मिली तभी मूवी सुपरहिट हो पाएगी। जबकि इस मूवी के लीड रोल में आप सुपरस्टार श्री मुरली के अलावा रुक्मिनी वसंत को भी देख पाओगे। और अगर बात करें इस मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की और रिलीज डेट की तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप KGF 3 मूवी का ज्यादा वेट कर रहे हो या फिर बगीरा मूवी का ज्यादा वेट कर रहे हो। आप इन दोनों में से किस मूवी को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि दोनों ही मूवी साउथ के जाने माने डायरेक्टर प्रशांत नील ने डायरेक्ट की हैं। तो और अगर बात करें इस मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की तो मैं आपको बता दूं कि बगीरा मूवी को जहां पहले जनवरी के महीने में रिलीज होना था लेकिन अब खबरें निकल कर आ रही हैं कि बगीरा मूवी की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। वैसे तो ये एक बहुत ही बड़ी पैन इंडिया मूवी होने वाली है और इस मूवी को हिंदी डब के साथ साथ सभी भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। लेकिन खबरों की माने तो अब ये मूवी हमें जनवरी की जगह अप्रैल या मई के महीने में देखने को मिल सकती है। तो साउथ की नई नई मूवी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाले आइकॉन को भी दबा देना।